हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू फीलिंग गुड गाइस। आई होप आप सभी सेफ हो, अपने घरों पे हो एंड मैं भी अपने घर पे यू नो टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इसी वजह से स्टूडियो ज़्यादा नहीं जा पा रही हूँ, तो स्टूडियो में वीडियोस ज़्यादा वहाँ पे नहीं बना पा रही हूँ, अभी घर पे ही शूट कर रही हूँ। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो मीशो कुर्ता सेट होने वाला है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी सिंपल वेयर कुर्ता सेट, लाइक जो ऑफिस, कॉलेज या डेली वेयर में आप आराम से वेयर कर सकते हो, कॉटन प्लस रेयन मटेरियल की। क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ से मैंने आपके साथ बहुत सारे ईद वेयर, पार्टी वेयर ड्रेसेस शेयर किए हैं, तो आज कुछ सिंपल वेयर शेयर कर रही हूँ। और जितने भी आपके रिक्वेस्ट है मैं धीरे धीरे उनको पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, डिलीवरी लेट हो रही है इस वजह से। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर करना गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि आज के हॉल में आपको कौन सी कुर्ती सेट अच्छी लगे। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला जो सेट है वो टू पीस सेट है। एक आपको स्लीवलेस कुर्ता मिल रहा है अंदर को एंड ऊपर से आपको ये जैकेट मिल रही है। सो दोनों का जो मटेरियल है कॉटन है। प्राइस वगैरह स्क्रीन के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है गाइज ये। आई गेस ये मुझे 1100 रुपीज़ में मिली है, बट बहुत प्यारी सेट है। कॉटन का जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट भी है। मैंडरिन कॉलर के साथ आपको जैकेट मिल रही है और उसकी जो फ्लेयर है बहुत अच्छी है। अगर आप इसके मटेरियल देखोगे तो जो एक होता है ना खादी काइंड ऑफ मटेरियल, जो वैसा है कॉटन में, बहुत ही कंफर्टेबल एंड इतना लाइट वेट है, थोड़ा सी थ्रू भी है, बट अंदर से दिया हुआ है वो स्लीवलेस कुर्ती, तो सी थ्रू मैनेज हो जा रहा है, तो गर्मी के लिए परफेक्ट है। एंड ग्रीन कलर का जो कुर्ता है उस पर आपको बंधनी वर्क मिल रहा है एंड ये कोई भी ऊपर का प्रिंट नहीं है, तो निकलने का कोई टेंशन नहीं है। मैंडरिन कॉलर में ऊपर को अगर आप देखोगे तो अच्छा सा टैसल बना हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड फ्लेयर आप देखोगे तो फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है कुर्ते की, कि यू नो आप डेली वेयर में वेयर नहीं कर सकते, इतना है कि आराम से मैनेज कर सकते हो। और नीचे को कोटी में गोटा पट्टी की डिटेलिंग्स भी बनी हुई है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब दोनों को अगर साथ पहनोगे ना तो औसम लगेगी। एंड बीच में आपको एक रेड टैसल भी मिल रही है, तो आप चाहो तो रेड इयरिंग्स या रेड बेलीज और या फिर आप स्लीपर्स रेड डाल सकते हो, कॉम्बाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है क्योंकि मेरे पास राइट नो सारा जो इनसे फुटवेयर है और जितना कुछ भी मेरे इयरिंग्स है ना सब स्टूडियो में है, यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एक ही फुटवेयर में मैंने सारे हॉल में ना डाले। आप अपनी मर्जी से पहन सकते हो, 200% रिकमेंड करूँगी। बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश भी है और वन पीस ड्रेस भी लग रही है, कुर्ती में भी आप वेयर कर सकते हो। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट जो कुर्ता मैंने पिक करा है वो लाइट लेमन कलर का कुर्ता पिक करा है जिसपे वाइट एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। सो कुर्ता विथ शरारा है गाइज ये, बट पहनने पे प्लाजो काइंड ऑफ ही लगेगी। एंड इस पर अगर आप देखोगे तो शरारा जो है वो ऊपर से आपको प्लीट्स मिल रही है, तो अगर आप चाहो तो इसको कुर्ती को शॉर्ट भी करा के एज अ शरारा वेयर कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि लॉन्ग ही रहने दो। लॉन्ग रहने पर शरारा वाली भी फीलिंग आ जाती है, प्लस देखने पर भी बहुत ही कैजुअल लगती है। सो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको मिल रहा है वाइट कलर में, लेमन कलर का बहुत ही लाइट कुर्ता है एंड उस पर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड स्लीव्स पे आपको लेस लगी हुई है एंड कुर्ते के साइड पे प्लस नीचे को भी सेम लगी हुई है। सो जो वर्क करा हुआ है ना उस कुर्ते में बहुत ब्यूटीफुल है, लिटिल बिट सी थ्रू है, आप चाहो तो इस पैकेट वेयर कर सकते हो। और शरारा का जो फ्लेयर है काफ़ी अच्छा है, शरारा पे भी नीचे को आपको पूरी फ्लावर्स वाली एम्ब्रॉयडर्ड वर्क करी, मतलब लाइक पूरी फ्रंट पे कुर्ती पे एंड शरारा पे फुल एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने लास्ट साइज़ लिया है, मीडियम लेती तो अच्छी फिट होती, बट थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए मैंने इस पर लास्ट साइज़ लिया है। रेयन मटेरियल है, कंफर्टेबल बहुत है, कलर पूरा समर वाइब दे रहा है एंड जो लुक भी है बहुत ब्यूटीफुल है। सो मैं इसे भी रेकमेंड करूँगी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी, थोड़ा सी थ्रू है, बस इस चीज़ का आप ध्यान दें। सो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये ब्लू एंड वाइट का कुर्ता टू पीस सेट है गाइस, इसमें कुर्ता और ट्राउजर मिल रहा है, दुपट्टा मैंने खुद का वेयर करा है। सो ये मुझे मिली 875 रुपीज़ में, इसका मटेरियल रेयन है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, डुअल शेड की एकदम स्काई वाली इमेज लगेगी आपको कि आपने यू नो आसमान ही पहन लिया है, बहुत ब्यूटीफुल है और देखने में अच्छी लग रही है। बट अगर मैं आपको उसका रियल इमेज दिखाऊंगी, लाइक यहाँ पर मैं इंसर्ट करी हूँ, तो इसको देखने के बाद शायद आपको ये उतना पसंद नहीं आए। यहाँ पर स्लीव्स आपको दिखेगा, पूरा फिटेड स्लीव्स है बट एम्ब्रॉयडर वर्क करा हुआ है, धागे का वर्क करा हुआ है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट अगर इमेज में आप देखोगे ना तो बेल स्लीव्स काइंड ऑफ लाइक एक पाकिस्तानी फिटिंग जो होती है ना, उस तरीके की ये सूट दिख रही थी, शॉर्ट में और टैशल लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट लग रहा था, बट एक्चुअल में ये टोटली डिफरेंट मिला है।
सो इस वजह से मुझे उतना पसंद नहीं आया। बट एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको नेकलाइन पे मिल रही है, नीचे नीचे बूटियाँ मिल रही है ब्लू कलर में, गोल्डन कलर में पूरा वर्क करा हुआ इस तरीके से, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। अगर इमेज से मैच नहीं करूँ तो कुर्ती सेट अच्छी है, बट अगर मैं ये सोचूँ कि मुझे ये मिलनी थी और ये मिली है तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। 875 रुपीज़ प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, रेयॉन मटेरियल है। अगर आपको लगता है कि 875 में वर्थ है तो आप ले सकते हो, मुझे ये वर्थ नहीं लगा क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और था, मुझे कुछ और ही मिला। लाइक सिंपल प्लेन कुर्ता अगर इस तरीके का आप ढूंढ रहे हो ना, जैसे पहनने पर लग रही है, अगर आप रियल इमेज मीशो की छोड़ दो तो आप इसे बाय कर सकते हो, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। नेक्स्ट जो कुर्ता मैंने पिक करा है सेट, वो थ्री पीस सेट है। आपको अनारकली कुर्ता मिल रहा है, प्लाजो मिल रहा है एंड दुपट्टा मिल रहा है। सो तीनों का जो मटेरियल है कॉटन है। 1075 रुपीज़ प्राइस है इस पर। मेरा साइज़ लार्ज है, फिटिंग इसकी एज इट इज़ लाइक मीशो की जो मीडियम फिटिंग होती है वो आपको लार्ज में मिलती है, वही फिटिंग है। बट देखने में कुर्ती बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, मैं बता दूँ। उसका जो कुर्ता है, जो ए लाइन फिटिंग कुर्ते पर दी हुई है ना, ए लाइन कुर्ते की, बहुत ब्यूटीफुल है। प्लाजो के साथ जो ए लाइन कुर्ते की लुक आ रही वो बहुत ब्यूटीफुल है। डिज़ाइन बहुत अच्छी है, जिगजैग वाली मैंडरिन कॉलर के साथ आपको ब्लैक वाइट एंड रेड का, लाइक पिंकिश काइंड ऑफ रेड का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। टैशल लगी हुई है स्लीव्स पे, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप नीचे को जाओगे तो नीचे को आपको लाइक जरी का वर्क मिल रहा है, सिंपल प्लेन अनारकली कुर्ता कॉटन मटेरियल एंड उस पर नीचे आपको ऐसा वर्क मिल रहा है रेड में जरी का। मतलब ये जरी का वर्क ऐसा नहीं है कि आपको पार्टी में यू नो आप वेयर कर सकते हो, आप पार्टी में वेयर नहीं कर सकते क्योंकि रियल में ये बहुत ही सिंपल एलिगेंट कुर्ता है, लाइक ऑफिस कॉलेज वाला। ये इतना तामझाम नहीं लग रहा है पहनने पे जितना मैं आपको दिखा रही हूँ तो लग रहा है। एकदम आराम से कैजुअल वेयर आप इसे कर सकते हो। नीचे का प्लाजो भी है, वो उसकी भी फ्लेयर बहुत अच्छी है। बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कुत्ते भूखते हैं, मुझे डर लगता है। मैं ये 3:23 AM में शूट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो थोड़ा डर लगता है मुझे। तो नीचे एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इसका जो दुपट्टा है वो आप देखो, लाइक मीशो अपना वो पूरा कर ही देता है दुपट्टे में कंजूसी करके। मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि दुपट्टे में इतनी कंजूसी ये लोग करते क्यों है। लाइक एक 600-700 वाली कुर्ती सेट पे करते हैं चलो समझ में आता है, उसकी आदत है। बट अगर मैं 1000 या 1100 या 900 की कुर्ती सेट मंगाती तो उस पर नहीं होता है। बट आई गेस मैंने गलत सप्लायर से मंगा लिया, इस वजह से दुपट्टा थोड़ा छोटा है। आगे मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि दुपट्टा कितना छोटा है, आप देख लो। अगर आप बैलेंस कर सकते हो, पसंद आ रही तो ही लो। मुझे कुर्ती बहुत पसंद आई, सेट बहुत पसंद आई, मैं इसे रख रही हूँ। दुपट्टा चेंज करके मैं वेयर करूँगी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि ऐसी जो फ्लेयर होती है, जो फिटिंग वाली होती है ना, इस तरीके से ए लाइन के साथ जो प्लाजो मिल रही है वो मोस्टली महंगे महंगे ब्रांड में मिलती है, ये चीज़ आप जान लें। इस वजह से मैं इसे रख रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ऐड करा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन मटेरियल का गरारा एंड दुपट्टा सेट। सो यहाँ पे लिखा हुआ गरारा सेट, नॉर्मली जो ऐसे होते हैं वो गरारा ही होते हैं बट हम इसे यू नो शरारा कहने लगे हैं, बट एक्चुअल में ये गरारा ही होता है। सो ये गरारा आप कोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ मिल रही है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, पीच गाजरी कलर का कुर्ता है, शरारा है। लाइक मेरी आदत होगी मैं इसे शरारा ही कहती हूँ। दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, लंबाई बहुत अच्छी है, बट दुपट्टे में यहाँ पे कंजूसी ये कर दिया कि चौड़ाई कम कर दी। सो दुपट्टे में चारों कोने पे गोटा पट्टी डिटेलिंग है, कॉटन का मटेरियल है कुर्ता दुपट्टा एंड शरारा का, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका प्राइस 9 something है गाइस, तो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी लगी मुझे, कम्फर्टेबल लगी। एंड मैं फेस्टिव में इस तरीके का शरारा गरारा बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, इसीलिए मैंने ये लिया है। और गोटा पट्टी की डिटेलिंग आपको नेकलाइन पे मिल रही है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो जो प्रिंट बनी हुई है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की बनी हुई है, नीचे गोटा पट्टी की डिटेल्स आपको मिल रही है एंड प्लस नीचे शरारा पे भी मिल रही है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल सेट है, पहनने के बाद अच्छी लगी। हाँ, इस पे मैंने लार्ज साइज़ मंगाया था बट उन्होंने मुझे एक्सल भेज दिया, तो एक्सल भेज दिया। अब क्या होता है ना, अगर आप अपनी साइज़ की नहीं पहनो तो कुर्ते अच्छी नहीं लगती है। अगर मैं इस पर लार्ज पहनती तो ये ज़्यादा बेटर लगती। दुपट्टे में जो कॉम्बिनेशन है वो पर्पल काइंड ऑफ पिंक कलर है एंड उस पर ऑरेंज कलर किया हुआ है, तो ओवरऑल मुझे फेस्टिव के लिए पसंद नहीं। अगर आप चाहो तो कोई भी छोटे मोटे पार्टीज़ के लिए आराम से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है गाइस, वो मैंने ये अनारकली 3-piece सेट मंगाया था, कुर्ता दुपट्टा एंड प्लाजो। सो मैंने इस पर लार्ज साइज़ लिया है एंड उन्होंने मुझे डबल एक्सल साइज़ भेजा है गाइस। लाइक मीशो में इतनी हेरा फेरी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब आप बोलो कि एक मीडियम जो मैं पहनती वो ऑलरेडी मीशो से मैं एक साइज़ बड़ा मंगा रही हूँ, उस पर उन्होंने मुझे डबल एक्सल भेजा, तो ये कुर्ता मेरे पे क्या अच्छी लगेगी।
बिल्कुल बेकार लग रही है अभी, मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये कुर्ता सेट ब्यूटीफुल तो है, सुंदर बहुत है, इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। सो इसका जो बैक है पहले वो मैं दिखा दूँ जिसकी वजह से मैंने इसे लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो टैशल बना हुआ है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। नेकलाइन इसकी बैक की बहुत ब्यूटीफुल है। फ्रंट पे गोटा पट्टी का भी डिटेल्स आपको मिल रही है, स्लीव्स पे मिल रही है। अंगरखा काइंड ऑफ स्टाइल है ये कुर्ते का। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो काफ़ी सारे कलर्स आपको कुर्ते पे मिलेगी। कॉटन का मटेरियल है एंड सारे प्रिंट्स कपड़े में ही है, निकलने का कोई टेंशन नहीं है। फ्लेयर काफ़ी अच्छी है। दुपट्टे का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, वाइट में पिंक एंड ग्रीन दुपट्टा। बहुत लाइट वेट कॉटन मटेरियल है, बेस्ट पार्टी की कुर्ती सेट कॉटन का है। नीचे को आप देखोगे तो उसकी प्रिंट्स अलग है, तो दुपट्टा अच्छी लगी। अगेन अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो ठीक है, लंबाई दुपट्टे की मीशो ने फिर से कंजूसी कर दी क्योंकि उनकी आदत है, वो बहुत पैसा दुपट्टे काट के बचा लेते हैं मुझे नहीं पता कितना, बट देखने पे तो यही लगता है। सो यहाँ पे कुर्ते प्लाजो जो है, यहाँ पे ट्राउज़र है सॉरी, तो ट्राउज़र की जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी अच्छी है, लुक बहुत अच्छी लग रही है। अपने साइज़ की होती गाइस तो मैं 200% आपको अभी के अभी रिकमेंड कर देती, सुंदर लग रही है। दुपट्टे के साथ तो मैनेज करने की हमारी आदत हो गई अगर हम मीशो से चीज़ें खरीदते हैं तो, और अगर आपको आपकी साइज़ की मिलती है ले लो, बट जो भी सप्लाई उन्होंने मुझे गलत भेजा तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। मुझे इसका बैक बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया गाइस। मैंने अपनी बहन की शादी में रिसेप्शन में एक ऐसे ही बैक का यू नो लहंगे में टॉप बनाया था। बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो लहंगा कैसे बनाया था, कहाँ से बनाया था। सो दुपट्टा आप देख सकते हो काफ़ी छोटा है, सो दुपट्टे के साथ मैनेज कर सकते हो तो ले सकते हो। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, थोड़ा प्यार दो। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज़।